अनकेडमी लाया है अनकेडमी एक्सेलरेट, नो मोर ब्रेक्स इन योर प्रिपरेशन। पाइए 6 महीने का एक्सटेंशन अपने सब्सक्रिप्शन पे, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल का या उससे ज़्यादा का, तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, आज ही सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करते टाइम यूज़ करिएगा बॉटनी 10, तो आपको जो फाइनल प्राइसिंग होगी उस पर मिलेगा 10% का ऑफ। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। हमने जो है ट्रेडोफाइट्स पे लेक्चर स्टार्ट किया था और उसमें हमने राइनिया के बारे में आपको बता दिया था और थोड़ा सा मैंने ऑर्नियोफाइटॉन एस्ट्रोजोइनॉन भी इसमें मेंशन किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइलोटम का, जिसका कॉमन नेम विस्क फर्न है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसका प्लांट के बारे में। तो ये जो प्लांट होता है ये स्पोरोफिटिक होता है, दैट मीन्स इसके सेल में जो वो होता है डीएनए डिप्लॉयड होता है। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में यही डिफरेंस है, गैमेटोफिटिक फेज हैप्लॉयड होता है और जो स्पोरोफिटिक फेज होता है डिप्लॉयड होता है। हमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है, जैसे एल्गी है और ब्रायोफाइट्स है, वहाँ पे मेन जो प्लांट बॉडी होता है गैमेटोफिटिक होता है। धीरे धीरे जब हम ऊपर जाते हैं टेडोफाइट्स में आते हैं, मेन प्लांट बॉडी जैसे ब्रायोफाइट्स की हम बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट फिटिक था, जो स्पोरोफिटिक फेज था उसी के ऊपर डिपेंडेंट था न्यूट्रिशनली। फिर यही टेडोफाइट में आप देखेंगे जो स्पोरोफिटिक फेज है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है और जो गैमेटोफिटिक फेज है छोटा सा होता है। कई कई बार आप देखेंगे बहुत छोटा, जो प्रोथेलस जिसे हम बोलते हैं वो यहाँ पे होता है, सबट्रेनियन जमीन के अंदर होता है। कई बार उसमें फंगस ही लगे होते हैं, फंगस से ही उसको सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं फंगस के हेल्प से। ठीक है, तो उसी पे आर्चिगोनिया एंथ्रिडी ये सब बनते हैं और फिर उसके फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट, और जायगोट से फिर जो है आगे चल के नया स्पोरोफाइट बन जाता है। यही कहानी आपका टेडोफाइटम में हो रहा होता है। अगर आप और आगे जाएंगे टेडोफाइट को छोड़ के, जब आप जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे उसमें देखेंगे जो मेन प्लांट बॉडी है वो तो स्पोरोफिटिक ही रहता है, गैमेटोफाइट जो होता है और छोटा सा हो जाता है, इतना छोटा जिसे आप क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स जैसे बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट को, पॉलन ग्रेन। और फीमेल गैमेटोफाइट तो मान लीजिए होता ही है आपका जो एम्ब्रियो सैक वगैरह रहता है, तो बहुत लिमिटेड हो जाता है। जहाँ पे आप देख रहे थे ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट इतना बड़ा रहता है कि आपको आपके आंख से दिखता है, वहाँ पे वो चीज़ें सेल 2-3 सेल्स का ही रह जाता है एंजियोस्पर्म तक पहुँचते। तो ये सब स्पोरोफिटिक और गैमेटोफाइट का ये जो गेम है। ठीक है, अब प्लांट बॉडी की अगर हम बात कर लें तो जो साइलोटम है इसका जो प्लांट बॉडी है इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसमें, एक तो इसमें डाइकोटोम्यूसिटी ब्रांच एरियल शूट्स रहते हैं जो बाहर रहते हैं, ठीक, और राइजोम होता है। राइजोम हमेशा से याद रखिए, जब भी राइजोम बोला जाए आप इसको कभी भी रूट मत समझिएगा। राइजोम इज देयर फॉर स्टेम्स, स्टेम अंडरग्राउंड स्टेम को हम राइजोम बोलते हैं, क्योंकि सारे प्लांट्स का अलग अलग नेचर होता है। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, इरेक्ट होते हैं, उनका शूट सिस्टम इरेक्ट होता है और फिर जमीन के अंदर का पार्ट डायरेक्ट रूट होता है। पर कुछ कुछ मेनली आप देखेंगे जो भी हैं आपके टेडोफाइट्स, वहाँ पे राइजोम पाया जाता है। मतलब एक तो स्टेम ऊपर खड़ा सा रहता है हवा में, दूसरा उनका स्टेम अंडरग्राउंड भी रहता है, ठीक, और ट्रू रूट्स वहाँ पे होते नहीं है। ट्रू रूट्स जब रेडिकल होता है जो वहाँ पे बनता है एम्ब्रियो से, उसमें वो आगे बढ़ता ही नहीं, वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। फिर ये जो है अपना काम चलाते हैं किससे, राइजोइड से काम चलाते हैं, जो कि राइजोम के जो नोड्स होते हैं उनसे राइजोइड्स निकलता है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे रूट्स होते ही नहीं है, ठीक, मतलब एक्चुअली रूट होता है पर एग्जैक्टली रूट वहाँ पे नहीं होता है, वो अपना वो उसी जो स्टेम है अंडरग्राउंड स्टेम को राइजोम बोलते हैं, उसी पर राइजोइड्स होते हैं, उसी से अपना सारा चीज़ें एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो यहाँ पे एरियल शूट है, राइजोम है, ट्रू रूट एब्सेंट होता है और यही राइजोम के पास अपना राइजोइड होता है, ठीक। एरियल शूट में यहाँ पे लीव्स भी आपको देखने को मिलेगी जो उतने बड़े नहीं होते हैं, ये स्टेराइल अपेंडेजेस की तरीके से रहते हैं, ठीक। एरियल शूट है लीव एट बेस और ये बेस पे रहते हैं स्टेराइल अपेंडेजेस। फर्टाइल जो अपेंडेजेस होते हैं वो अब रहते हैं ऊपर रहते हैं, मतलब स्टेम पे ही दो जो लीव्स है अपेंडेजेस के रूप में रहते हैं, जो नीचे वाले बेस पे जो रहते हैं वो स्टेराइल होते हैं और जो ऊपर की तरफ रहते हैं वो फर्टाइल होते हैं। राइजोम की बात कर लें तो अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके कॉर्टेक्स में कंपाउंड होता है फ्लोबेफीन करके, जिसे आप याद रख सकते हैं। स्टील की बात कर लें तो क्योंकि अभी हम लोअर टेरिडोफाइट्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको जनरली जो है प्रोटो स्टील देखने को मिलता है। एरियल शूट की अगर हम बात कर लें तो एरियल शूट पे ग्रूव और रिजेस होते हैं, मतलब एक तरीके एक बार ऐसे उठेगा फिर अंदर धंसेगा, ऊपर उठेगा अंदर धंसेगा ऐसे, ठीक। तो ग्रूव और रिजेस इन्हें बोला जाता है अल्टरनेट करके।
स्टोमेटा भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे एरियल शूट पे। एपिकल स्टील इज साइपनोस्टील, एपिकल पोर्शन पे जो स्टील रहेगा, शूट की बात हो रही है एरियल शूट की, वो साइफोनोस्टील होता है और बेस पे आप देखेंगे एक्टिनोस्टील हो जाता है। लीफ की अगर हम बात कर ले तो लीफ पे स्टोमेटा अब्सेंट होते हैं, लीफ ट्रेसेस भी यहाँ पे अब्सेंट होते हैं। लीफ ट्रेसेस मतलब जो वैस्कुलर सिस्टम स्टेम से निकल के लीफ में जाता हो, तो ये भी। और फोटोसिंथेसिस भी एब्सेंट रहता है लीफ पे, क्योंकि मैंने बोला ना वो अपेंडेजेस की तरीके से रहते हैं, दे आर नॉट फुली ग्रोन लाइक लीफ। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर लें तो वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाया जाएगा। वेजिटेटिव जो होता है ये गेमी से होता है, ठीक, जो कि डेवलप होते हैं राइजोम पे, किसके, स्पोरोफाइट के, और ये अगर गैमेटोफाइट के फिजिक फेज में बन रहे हो तो ये उनके राइजोइड पे बनते हैं, ठीक। तो स्पोरोफाइट के राइजोम पे और गैमेटोफाइट के राइजोइड पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर लें तो यहां पे स्पोरोफाइट पे स्पोरेंजिया बनेगा। ये स्पोरेंजिया एक्चुअली सिनेंजियम कहलाता है, क्योंकि ये बहुत सारे स्पोरेंजियम का फ्यूजन प्रोडक्ट होता है, और ये डिस्टल होते हैं, मतलब टर्मिनल पार्ट पे इनका डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। ये भी आपको याद रखना है, दो टाइप का स्पोरेंजिया डेवलपमेंट होता है टेरिडोफाइट्स में, यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट। जब ग्रुप ऑफ सेल्स यूटिलाइज हो स्पोरेंजिया बनाने में तो इसको यूस्पोरेंजिएट बोलते हैं, और लेप्टोस्पोरेंजिएट में एक ही सेल जो होता है पार्ट लेता है स्पोरेंजिया का डेवलप करने में। अब स्पोरेंजिया रहेगा उसके अंदर स्पोर मदर सेल्स रहेंगे जो आगे चल के स्पोर्स बनाएंगे। इन्हीं स्पोर मदर सेल्स जो कि डिप्लॉयड होते हैं, इनमें होता है मियोसिस, मियोसिस के बाद हैप्लॉयड स्पोर बन जाते हैं, और सारे के सारे स्पोर एक जैसे होते हैं, जिनको होमोस्पोरस या होमोस्पोरी कहते हैं। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यूस्पोरेंजिएट लेप्टोस्पोरेंजिएट, जैसे होमोस्पोरस और हेटरोस्पोरस दो टाइप के स्पोर बनते हैं, आप कह लीजिए दो टाइप के यहाँ पे इंडिविजुअल्स होते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर। होमोस्पोरस में जो होमोस्पोरस प्लांट्स होते हैं टेरिडोफाइट्स में, उनके अंदर जो ये स्पोर्स बनते हैं ये एक ही टाइप के होते हैं सारे, और जो हेटरोस्पोरस होते हैं उनमें दो टाइप के स्पोर बनते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा रहेगा एक थोड़ा छोटा रहता है। छोटा वाला आपका माइक्रोस्पोर कहलाता है और बड़ा वाला मेगास्पोर कहलाता है। स्ट्रक्चर के साथ साथ इनका फंक्शन भी सेम होता है। माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट आगे चल के बनाते हैं, और जो बड़ा वाला रहता है मेगास्पोर वो जर्मिनेट करके क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। फीमेल और मेल गैमेटोफाइट का मतलब मेल वाले पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा और फीमेल वाले पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स हुए, जर्मिनेशन हुआ, अब जो ये आपका गैमेटोफाइट बना ये सबटेरेनियन होता है, मतलब जमीन के थोड़ा नीचे होता है, सैप्रोफिटिक होता है, मतलब ये खुद से खाना नहीं बनाते हैं, इन्हें प्रोथैलस कहा जाता है, और डाइकोटमी उसकी लोबेशन होता है इसमें, और इसी प्रोथैलस पे ये यूनिसेलुलर राइजोइड्स इन पे रहता है, माइक्रोराइजल एसोसिएशन भी इनसे पाया जाता है, और ये मोनोशियस होते हैं। मोनोशियस का मतलब एक ही प्रोथैलस पे, क्योंकि होमोस्पोरस में जनरली आपको मोनोशियस कंडीशन ही मिलेगा, क्योंकि जब सारे स्पोर एक ही जैसे होते हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि इसमें छोटा बड़ा हो, तो जो भी स्पोर ग्रो करता है उसी गैमेटोफाइट पे आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मिलेंगे, इसलिए मोनोशियस कंडीशन है। एंथ्रीडिया जो होता है सिंगल लेयर जैकेट होता है उसके पास, अब इसी प्रोथैलस पे बनेंगे, एंथ्रीडिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये जो होता है इनके एंथ्रोजॉइट्स मल्टीफ्लैजेलेट होते हैं। ब्रायोफाइट्स में आप देखते थे जो एंथ्रोजॉइट्स होता था यूजली बाईफ्लैजेलेट होते थे, और टेरिडोफाइट्स में ये यूजली मल्टीफ्लैजेलेट कंडीशन आपको मिलेगा। आर्चिगोनियम की बात करें जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो यहाँ पे आर्चिगोनियम के अंदर एक एग होता है, एक विंटर कैनाल सेल होता है, और दो नेक कैनाल न्यूक्लियाई होते हैं, ध्यान रखिएगा सेल नहीं होते हैं, दो नेक कैनाल न्यूक्लियाई मतलब दो न्यूक्लियाई होगा एक ही सेल के अंदर, ठीक, और जिसका नेक होता है वो चार वर्टिकल रोज ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है। अब एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइड से रिलीज होगा, आर्चिगोनिया के पास जाएगा, एक को फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जायगोट। जायगोट जो होता है ये जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट बना लेंगे, और डेवलपमेंट स्पोरोफाइट का या एम्ब्रियो का कह लीजिए आप एक्सोस्कोपिक होता है, मतलब जैसे आर्चिगोनियम है नीचे विंटर होता है ऊपर नेक होता है, तो एक्सोस्कोपिक का मतलब है जो स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होगा शूट वो नेक की तरफ रहेगा, तो ये एक्सोस्कोपिक डेवलपमेंट है। तो ये था आपका साइलूटम, जिसे विस्क फर्न कहते हैं। यहाँ पे ये सब याद रखिएगा, सिनेंजियम वगैरह इस पर पाया जाता है, यूस्पोरेंजिएट कंडीशन, एंथ्रोजॉइट मल्टीफ्लैजेलेट, और होमोस्पोरस है ये मेंबर टेरिडोफाइट का। तो ये था आपका साइलूटम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इसके मेंबर लेके टेरिडोफाइट्स के। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एनजी फंजाई ब्रायोटेडो जिम्नो एनजीओ साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।